मित्रों, किसी दूर गांव में एक धोबी रहता था। धोबी रोज लोगों के घर घर जाता और लोगों के गंदे कपड़े धोने के लिए लेकर जाता। धोबी के पास एक गधा था जिस पर वो कपड़े लादकर लाया और ले जाया करता था। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो काफी कमजोर भी हो गया था। एक दिन ऐसे ही कड़ी दोपहरी में धोबी कपड़े लादकर गधे के ऊपर रखकर ले जा रहा था। गर्मी की वजह से गधे और धोबी दोनों का बुरा हाल था। अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और बेचारा गधा एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। गधा बेचारा कमजोर तो था ही, फिर भी उसने पूरी ताकत लगाई लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। धोबी ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन गड्ढा गहरा होने की वजह से गधा बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब तो गधा डर से बुरी तरह चिल्लाने लगा। धोबी भी जब प्रयास करके थक गया तो उसने सोचा, ये गधा बूढ़ा हो चुका है और अब किसी काम का भी नहीं है, तो इसको निकालने से क्या फायदा है, क्यों ना गड्ढे को मिट्टी से भरकर इस गधे को यही दफना दिया जाए। यही सोचकर धोबी ने गांव के लोगों को आवाज लगाई। सारे लोग अपना फावड़ा लेकर आ गए। सब मिलकर जल्दी जल्दी गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। पहले तो गधे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसे दफनाने वाले हैं तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। कुछ देर तक गधा चिल्लाता रहा, बाद में उसने चिल्लाना भी बंद कर दिया। सब लोग और तेजी से गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। थोड़ी देर बाद धोबी ने जब गड्ढे में झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। गधा वहां कुछ विचित्र सी हरकत कर रहा था। जैसे ही गधे की पीठ पर मिट्टी डालता कोई, गधा तुरंत अपनी पीठ हिलाकर मिट्टी नीचे गड्ढे में गिरा देता और खुद एकदम ऊपर हो जाता। यही क्रम चलता रहा। जैसे ही गधे की पीठ पे मिट्टी डाली जाती, वो पीठ हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता और खुद उस मिट्टी पे चढ़कर एक कदम ऊपर हो जाता। धीरे धीरे गड्ढा मिट्टी से भर गया और गधा उछलता हुआ गड्ढे से बाहर निकल आया और सारे लोग गधे को हैरान से देखते रह गए। इससे क्या सीख मिलती है? दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि आपसी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, घबराइए नहीं। हर परेशानी को मिट्टी की तरह हिलाकर नीचे गिराते जाइए, फिर देखिए आप हर समस्या से बाहर निकल आएंगे। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।